मेरे को खर्चा करना चाहे तो मम्मी खर्चा कर रही है, मेरे को तो कुछ दिला के दे तो सही। तो अभी तो पैसे भी आए, अभी तो लेने गए थे 2 दिन पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिरीष व्लॉग्स। आज संडे है और वापस घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, बट मुंबई से कहीं भी घूमने जाओ ना तो नियर बाय में कोई प्लेस है ही नहीं। जैसे मैं बताऊँ, कहीं भी घूमने जाना है तो लाइक 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर जाना पड़ता है। उस चीज़ में बोलूँ तो दिल्ली बहुत सही है। कहीं भी जाओ, जैसे मनाली चले जाओ, देहरादून चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, मथुरा चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, तो आप 2 से 3 घंटे में पहुंच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 200 किलोमीटर के करीब में ही है ये सब नज़दीक में, तो आराम से पहुंच सकते हो। बट मुंबई की बात बोलूँ तो लोनावाला, नासिक, पुणे, अलीबाग, महाबलेश्वर, लवासा, पुणे, ये सब भी जैसे 100-200 किलोमीटर में है, बट ट्रैफिक में आप अटक जाते और बोलते ना 24 घंटे में आना जाना नहीं होता, क्योंकि बॉडी थक जाती है, आप घूमने जाते हो, बहुत इशू होता है। तो ऐसा होता है कि ऐसे प्लान नहीं कर सकते, ऐसा प्लान करना है तो 3 दिन तो चाहिए, तब जाके आप अच्छी तरह घूम के आ सकते हो ये सब प्लेस। तो अभी ऐसा है, संडे है तो घूमना तो पड़ेगा, तो क्या करें। अगर लास्ट संडे हम लोग गए थे जूहू चौपाटी, अगर वो वीडियो ना देखी हो तो देख लो, मजा तो आई थी, बट कार की पार्किंग नहीं मिली थी तो क्या इशू हुआ था वीडियो में बताया, तो जाके देखो आपको पता चले। और मुंबई का क्लाइमेट थोड़ा बदल गया पिछले 10 दिन से, मैं देख रहा हूँ बॉडी में स्वेट नहीं हो रहा है, मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं, थोड़ी बहुत, मतलब स्ट्रेचिंग वेचिंग, वेट लिफ्टिंग नहीं है, ये पहले बता दूं, बट गर्मी नहीं लग रही है, तो ये क्लाइमेट मुझे अच्छा लग रहा है। तो बोलते ना कि घूमने का मजा भी आ रहा है। फिलहाल अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ना, उसका भी असर हो सकता है कि वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती हो क्योंकि यहाँ पे ना ये एक ही बिल्डिंग है, आजू बाजू ज़्यादा भी नहीं बोलूँ तो 500 मीटर तक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही नहीं है, तो उसकी वजह से हवा बहुत, मतलब बहुत अच्छी आ रही है। तो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो ये नज़ारा है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसके बाहर का। वहाँ पे रेलवे पटरी है, ट्रेन कंटिन्यू आती जाती है और आपको आवाज़ तो सुनाई देता ही रहेगा मेरे ऑडियो में। और फिर यहाँ पे टर्न मार के दिखाऊँ, देखो कितना ओपन है, तो ये सब पूरा ओपन एरिया है, अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं 15 फ्लोर पे गया था तो वहाँ से तो क्या नज़ारा है, मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी डाली थी, अगर ना देखी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो आपको ये अपडेट वहाँ पे मिलती रहे। गुरु ने मुझे कॉपी किया, पहले उसने खाली व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था, तो मेरा देखो ब्लू जीन्स है और मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना था, व्हाइट टी शर्ट देख के मैंने भी व्हाइट टी शर्ट पहना। मैं आगे बैठ रहा हूँ, तुम लोग पीछे बैठो। बाहर का ये भाई कॉपीराइट क्लेम आएगा, इसको बंद करो। क्यों? ये क्या बोलते, टी सीरीज का रहता है ना, तो फिर क्लेम आता है, समझा नहीं, रुक बताता हूँ। इसको खोलने का है ना, ये ले। ऐसा कि ये गाना है ना, मैंने नहीं बनाया, ये कोई किसी ने गाया हुआ है ना, तो सोनू निगम के। हाँ, वो सोनू निगम का गाना है ना, तो वो क्लेम करता है, सोनू निगम नहीं बट जिसने जिसका गाना रहता है वो क्लेम करता है कि भाई मेरा गाना क्यों यूज़ किया, तो अभी ये पैसा मेरे को दे दो। अच्छा, अभी तू वीडियो निकालते वक्त। हाँ, वीडियो निकालते वक्त उसका गाना सुनने में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ऐसा बोलो। हाँ, ऐसा सब नाटक रहता है मेरे भाई। बंद क्यों किया वो पूछने वाला था। ए वापिस अभी बात कर रहे ना अपन, जो थोड़ा भी आएगा ना वो लोग पकड़ लेते। हाँ भाई, तुम लोग ही व्लॉगिंग कर लो ना, लो लो लो। हाँ तो कर रहे हैं ना। हाँ बोल, क्या हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं ग्रोवेल्स मॉल की तरफ, अभी थोड़ी 10-15 व्लॉगिंग का असर हो रहा है ये लोग को। ग्रोवेल्स लिखा हुआ तो आया है, आगे है आगे, यानी आगे वाला गेट है, ध्यान से लेफ्ट टर्न, वो गेट है ना, अपने आप ही मतलब दिखेगा रास्ता के है इधर, वरना कैसे बाद में हाईवे पे जाएंगे, बाद में वहाँ पे एक पार्किंग जोन आएगा, नहीं ऊपर जाके है पार्किंग जोन, इधर भी जगह अच्छा है पार्किंग के लिए रखेंगे। हाँ, वो करने नहीं देगा ना, मगर प्राइवेट है वो, तो मॉल में तो अपना कैमरा अलाउड नहीं रहेगा, तो बाद में मोबाइल से शूटिंग होगी, कैमरा को कार में रख देंगे। DSLR लेके घूमना अच्छी बात है क्योंकि वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और ऑडियो क्वालिटी भी, क्योंकि एक्सटर्नल माइक लगाया रहता है, बट क्या करे यार, फर्स्ट कई जगह पे कैमरा अलाउड नहीं रहता, सेकंड रात हो जाती है ना तो अपना DSLR काम में नहीं आता क्योंकि अंधेरे में शूट नहीं कर पाते प्रॉपर, उसके लिए Sony A7S III लेना पड़ेगा, तो पता ना 3,30,000 का, और उसका लेंस जो लेगे वो अलग,
यानी टोटल 6 लाख रुपया खर्चा होगा, तब जाके रात को हम लोग शूट कर पाएंगे। बट क्या है, सैमसंग का मोबाइल लिया है ना, तो रात को उससे व्लॉगिंग कर लेते, तो ये नहीं बोलता वो अच्छी क्वालिटी आती, बट चल जाता है एवरेज टाइप, मजबूरी है तो क्या करे। जब अच्छे खासे पैसे आएंगे तो वो वाला भी कैमरा लेंगे और रात को भी अच्छी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी आएगी। ये वाला एंट्री बंद कर दिया, उसका मतलब उसका सीरीज का ही बात सुनने का था, हाईवे से हम आने का। यहाँ पे मैं जब भी आता ना तो मम्मी की याद आती है, और मैं वो कैमरा में बता नहीं सकता, जा सकते हैं। बट ये लोग को मैंने बता चुका हूँ कि क्यों याद आती है। तेरे को नहीं पता ना, हम लोग यहाँ मैं इधर आता हूँ तो मम्मी की याद क्यों आती है, बताता हूँ, रुक जा। बताता हूँ। हाँ खोल दिया, चेक कर लो। नहीं खुला, खुला जा सकते पक्का। अरे वो बटन दबाना पड़ेगा तब जाके वो रिसिप्ट देगा। भाई वो लेना पड़ेगा, उसके बिना अपने को जाने नहीं। मुंबई की पब्लिक को खाली बहाना चाहिए बाहर घूमने का। पार्किंग मिला तो वो भी उसने अभी डाल देगा। वही तो मैं बोला, मुंबई की पब्लिक को बाहर घूमने का बहाना चाहिए। इतनी बड़ी पार्किंग है बट फुल है, फुल है। ढूंढो अभी, और इसके पीछे भी जगह है, वो जो ग्रोवल लिखा है ना उसके पीछे भी जगह है, तो वहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। नहीं मुंबई में जितने भी मॉल है ना, फंक्शन में जाने का था, लेकिन सीरीज ने बोला चलो तू फंक्शन में मत जा, तो आज घूमने जाएंगे। ये मॉल थोड़ा अलग है बट अपने जितने भी मॉल है ना मुंबई से उससे, तो यहाँ पे आने को मजा आती है, बट मैं भी बहुत टाइम के बाद आया। अभी उधर झूठ बोलना पड़ेगा, मेरे को पूछा था। मगर ये वीडियो देखिए तो समझ जाएगी झूठ बोल रहा है। तेरा नंबर नहीं है ना उन लोगों के पास? हाँ वो भी है, मेरा नंबर नहीं है। तो अभी पार्किंग मिल गई तो DSLR अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा। वाओ क्या बना, अच्छा बनाया ना, देखो 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 थोड़ा ये ऐसा कर। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, पहले पहले अपना गाड़ी का काम, बाद में कैमरा का काम। अभी ये लोग पार्किंग लॉट में खेल रहे इधर ही। क्या भाई मुंबई वाले क्या इसी दिन आगे पार्किंग लॉट में खेल रहे हैं? कोई शॉपिंग की और देखो गूगल पे से कर रही है। गूगल पे ना? यस गूगल पे आ गया। अरे बड़ौदा में भी ऐसे ही जाके शॉपिंग करके आती थी। गूगल पे का डिसएडवांटेज देखा, मम्मी चुपचाप जाती है जो भी शॉपिंग करना है कर लेती है और गूगल पे से पे कर लेती है। पापा को भी नहीं पूछती ना मुझे कुछ के कुछ भी, सीधा शॉपिंग। हमने सबने शू पहने, जैसे पापा ने, मम्मी ने, गुरु ने, गुरु तो पहनता भी नहीं है बट पहने, और मैंने, और इसने पहने नहीं है। क्यों नहीं पहने? तो मॉल में जब वॉक करना रहता तो ज्यादा नहीं, तो 1 से 2 किलोमीटर वॉक करते तो शूज चाहिए रहता है। घर पे जाके नाटक मत करना, मेरे पाँव दर्द होते तो खाना कौन बनाएगा? अच्छा तो बट आपको क्यों लेना? मेरे को है नहीं, मेरे पास ऐसा कपड़ा बाहर की तरह ऐसा जाना, ऐसे ही नॉर्मल। ये पार्टी वेयर है, 400-500 वाला ही है मेरे पास। बोलो मेरे को खर्चा करना चाहे तो मम्मी खर्चा कर रही है, मेरे को तो कुछ दिला के दे। तो सही, तो अभी तो पैसे भी आए, अभी तो लेने गए थे 2 दिन पहले, तो अभी पैसे उड़ाने पड़ेंगे ना मेरे लिए। समझा यार, मम्मी को पैसे नहीं उड़ा रही है मेरे लिए। क्या यार, मेरे को उड़ाने चाहे तो मम्मी उड़ा रही है, क्या बोलने का? अच्छा लगेगा बट ऐसा ना वो टाइट हुई है। अरे वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ना, कर सकते ना। अच्छा मतलब नया लेके तो ट्राई नहीं करने का, एक्सचेंज करेंगे तो ट्राई करने का। अरे ये क्या सीन है, एक्सचेंज करके तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, बट नया नहीं कर सकते। परफेक्ट है, ले ले। हम लोग निष्पा की शॉपिंग करने आई थी बट मम्मी भी शॉपिंग कर रही है, और ये देखो हाथ में और एक है, मतलब शॉपिंग चालू है। ये भाई अपने को भी शॉपिंग करने का है। उधर मेरे को बाइक पसंद आया, 3 लाख का था, ले लेते क्या? मम्मी 3 लाख का ही खाली बाइक, पैसे तो आए ना दूर। चलेगा, हम लोग बजाज फाइनेंस वाले को EMI देते तो मैं तेरे को दूंगा एग्रीमेंट। हाँ गुरु प्रूफ में विटनेस लेना, वरना विटनेस वाले को उठाएगा भाई पैसा दे। भी जो भी शॉपिंग की ना, ये देखो
तो उसका वजन ज़्यादा है और मॉल अभी और घूमना बाकी है, मतलब आधा पौना घंटा और घूमेंगे, तो इसका वजन ज़्यादा हो रहा था। मैंने सोचा कार में रख देता हूँ और फिर वापस मॉल में जाते हैं और खाना पीना जो भी है खाते, क्योंकि भाई वजन रहता ना तो घूमने में मज़ा नहीं आता। ये बैग को पीछे डिग्री में रख देते, अरे फट भी गया। एक काम करो, पहले यहाँ ही रखते, करने जाओगे तो कागज का बैग फट जाएगा। दरवाज़ा बंद करते भाई, गाड़ी में बैग क्या रखने चले गया। ये लोग फूड काउंटर पे गए और पक्का मैं ढूंढ रहा हूँ 15-20 मिनट में, एक तो फ़ोन भी लगता नहीं आजकल, पता नहीं एयरटेल का क्या इशू है। तो अभी बोला है थर्ड फ्लोर पे, चेक कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिलते, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे फूड काउंटर में बैठे हुए और सेम कपड़े ना, तो ढूंढने में भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है। पक्का ढूंढ रहा हूँ मैं, एक तो फ़ोन भी नहीं लग रहा किसी का, निश्वा फ़ोन नहीं उठा रही है, तेरा फोन नहीं लग रहा है, पप्पा का नहीं लग रहा, फिर लास्ट में गुरु को किया कॉल। निश्वा, नाउ यू आर अ ब्लॉगर, तो इसके बारे में इन्फो दे। दिस इज टचलेस कंट्रोल। When we want to call this lift, we don't have to press this button. इसको touch नहीं करना है, press नहीं करना है. Just show your thumb and the button will get activated. Button activate हो जाएगा। तूने बोला अच्छा, but this is a Hindi vlog, not a English vlog. Next time याद रखना मेरे vlog में. Okay, आगे तो English थोड़ा बहुत ठीक है, but मैं English को promote नहीं करता. That is fine, but now it's next. No, let's move now. क्या बोलते हैं, बैठने का डबल डेकर, बैठना है। इसको पहले शॉपिंग भी पहले की, इसमें भी पहले बैठने का, अभी इसको बचपना आ गया है। बोलते ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या डायलॉग है निश्मा, 60 turn into 16। अरे वो बोलते ना 60 की एज में 16 की उम्र का फील होता है, वैसा मम्मी को अभी फील हो रहा है सब चीज में। हाँ मैं पहले बैठना है। अरे तुम लोग बस में बैठो, हम लोग पूमा के शोरूम में जा रहे हैं शूज खरीदने। गया क्या भाई, वॉक करो। पूमा की शॉपिंग हो गई, अंदर शूट नहीं करने दे रहा था हिटलर था कोई, शूट करना अंदर अलाउड नहीं है, गुरु के ये नए जूते। 6,500 का जूता है बट 40% डिस्काउंट था तो 4,000 में गिरा। ये साइड आने का ही नहीं था, लेकर आया 4,000 का। 4,000 नहीं, 4,000 ये खर्चा कराया और इसका कितना हुआ बिल, 7,700 यानी 7 और 4 11 और खाना पीना खाया ना यानी 13.5 और अभी तो डिनर बाकी है यानी वो 1,000 यानी 15,000 रुपया तेरा। बोला था तेरे को 100 रुपये में जाते हैं नेशनल पार्क, तो तू बोला नहीं उधर क्या करने का। सो बैक टू होम, डिनर भी हम लोग ने बाहर ही कर लिया बट मैंने वीडियो में नहीं बताया क्योंकि बहुत बड़ी बन जाती है वीडियो, इसके लिए बोलते ना जितनी लिमिट में रहे वीडियो तो आप लोगों को भी देखने में अच्छी लगती है। तो हम कांदिवली का ग्रोवल्स हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया, अभी घर पे आके सोना ही है, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। 15,000 की शॉपिंग और खाना पीना पेट्रोल पार्किंग और छोटा मोटा चीज़ और था वो सब अलग, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड बी सेफ। चलो शो कैसा लगा? अच्छा लगा, गुरु ने आज तो मतलब हीरो बन गया था, वाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स बाद में पूमा का, लास्ट शो में शूज भी खरीद लिया। बट तुझे कैसा लगा ऐसा गेटअप में? अच्छा लगा, मतलब देख ना अपने आप को देख, पूरा अलग ही नहीं लग रहा है। इसलिए तो बोलते हैं यार पर्सनालिटी और कपड़े अच्छे पहनोगे ना तो बहुत अच्छे दिखोगे। चलो ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ।